जैसे कि हम लोग जानते ही हैं ईस्टर आने वाली है और कई लोग कई तरह के क्राफ्ट एक्टिविटी करते हैं। क्राफ्ट तो हम जानते ही हैं, ओरिगामी भी ओरिगामी होती है और कई एक्टिविटीज में होते हैं कि कोडिंग, विजुअल और भी कई तरह के एक्टिविटीज होते हैं। तो ईस्टर के लिए इस वीडियो में मैंने बनाया है, सॉरी मेरी मम्मा ने बनाया है, एक्चुअली मैं नहीं बनाता, वैसे भी मेरी मम्मा ने बनाया है एक विजुअल एंड कोडिंग एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ है वो विजुअल एंड कोडिंग एक्टिविटी। तो ये विजुअल एंड कोडिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू इंग्लिश वन है। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश वन इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता है, एक्चुअली वो इंग्लिश ग्रामर होता है। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आज मैं बता देता हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर होता है। तो ये कोडिंग एक्टिविटी जैसे कि मैंने बताया था ये रिलेटिंग टू ईस्टर है, तो ये सारी चीज़ें ईस्टर से रिलेटेड है। और पहले हम लोग इंग्लिश वन में क्या सीखते हैं, मतलब ग्रामर में क्या सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं नाउन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई वर्ड्स हैं जो जो यहाँ पर ड्राइंग हुए हुए हैं, वो सब यहाँ पर वर्ड्स में लिखे हुए भी हैं। जैसे बनी, बनी ये रहा, कैंडी, कैंडी ये रहा, वर्ड तो दिख नहीं रहा, ये रहा वर्ड, फिर कैरेट ये रहा, एग ये रहा, चिक ये रहा। तो अब मैं बता देता हूँ हम लोग ये पेपर और ये चिट्स के साथ क्या करते हैं। तो अभी मैं हम लोग कोई भी चिट ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बट लिया या बॉट लिया, तो मैंने बॉट ले लिया, फाइनल कर लिया मैंने। तो अब हम लोग देखेंगे कि बॉट क्या है, नाउन है नहीं, प्रेपोजिशन है नहीं, वर्ब है, हाँ वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, कैरेट। तो हम लोग को कैरेट के नीचे जो वर्ब है उसको यहाँ से ऐसे प्लेस कर देना है। तो हम लोग का ये कोडिंग और विजुअल एक्टिविटी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा कुछ ले लेंगे, जैसे मैंने बट कहा गया, मेरे को बट अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। अब देखेंगे बट क्या है, नाउन नहीं, नाउन तो नहीं है, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, कंजंक्शन कंजंक्शन है। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, चिक। तो हम लोग को इसको चिक के नीचे ऐसे लगा देना है, ऐसे करके हम लोग को जितने भी यहाँ पर चिक्स हैं एकदम लाइन से करके लगा देना है, कैंडी के, एग के, बनी के, कैरेट के और चिक के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फाइनली विहान इज सॉल्विंग इट हियर। This activity can be used in any form according to your kids' curriculum. I'm sure they are going to like it and enjoy it. The most important thing over here is that it involves coding as well as visual activity, which involves indirectly a brain booster activity. In this way, curriculum can be made interesting and fun, and I'm sure kids are going to enjoy it. And if they practice it in this way, they are never going to forget the concepts of anything which you relate to this activity. So do try it out with your kids' curriculum and let them enjoy and have fun. And yes, if you like our video, do remember to like, share and subscribe to our channel for more such updates. Thank you, take care and stay safe.